अस्सलाम वालेकुम मेरे घर के गमलों में अक्सर मशरूमज उगते रहते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें एडिबल और पॉइजनस मशरूम्स का फ़र्क बताया जाए जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि एडिबल मशरूम सेहत और ज़ायके के लिहाज से बहुत मुफीद होते हैं लेकिन अगर गलती से भी आपने किसी पॉइजनस मशरूम को खा लिया तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है तो आइए देखते हैं कि अगर आपको कहीं मशरूम उगा हुआ मिल जाता है तो किस तरीके से आप उसे आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि यह एडिबल है या फिर पॉइजनस यह एक मशरूम मैंने निकाल लिया है बाहर तो इस मशरूम की जो लुक है वो एडेबल मशरूम की जैसी है अगेरिक फैमिली के मशरूम इस टाइप के होते हैं और मोस्टली एडेबल होते हैं बट कुछ टेस्ट हैं जिन्हें हम परफॉर्म करके कंफर्म करेंगे उससे पहले हम इसे ईट नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो ये इसकी टिप आ गई इस मशरूम की और ये नीचे जो है ये स्कर्ट और रिंग इसे कहा जाता है इस रीजन को फिर नीचे जो है स्टॉक आ गई और ये इन साइड गिल्स आ गए इसके यहाँ पर स्पोर्स की प्रोडक्शन भी होती है ओके okay, यहाँ पर अगर आप इसके गिल्स को देखें तो ये वाइट इन कलर है तो अगर आपको ऐसा मशरूम मिल जाता है जो वाइट है जिसकी गिल्स वाइट हैं तो आपने उससे दूर रहना है क्योंकि वो एमेनिटा फैमिली का हो सकता है और वो डेडली मशरूम्स होते हैं लेकिन अगर आपको ये मशरूम मिल जाता है इस टाइप का कोई और उसके गिल्स जो हैं वो पिंकिश या डार्क ब्राउन तक उनका अगर कलर है पिंक से लेकर तो वो अगेरिक फैमिली का होगा और वो एडेबल हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बट फिर भी आपने दो टेस्ट करने हैं जिनके ज़रिए आपको पता चल जाएगा सबसे पहला टेस्ट जो है उसे हम येलो स्टैन टेस्ट बोलते हैं यानी इन मशरूम्स की जो कैप हैं उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसा होता है जिसे अगर आप रब करेंगे तो वो अगर येलो कलर देगा तो हम उसे बोलेंगे येलो स्टैन टेस्ट और अगर वो येलो कलर नहीं देता पिंक और रेड कलर देता है तो वो एडेबल होगा अगर येलो कलर देता है तो वो पॉइजनस होगा तो आइए ऐसे रब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे रब करने पर यहाँ पर येलो कलर जो है वो अपीयर हुआ है तो इसका मतलब है येलो स्टैंड जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है इसके अंदर येलो स्टेन केमिकल मौजूद है तो ये एडिबल मशरूम नहीं है इसके अलावा सब मशरूम अगर आप रब करते हैं तो वो स्पेसिफिक uh, कलर नहीं दे पा रहे फिर भी आपको पहचान नहीं हो पा रही या उसने येलो कलर नहीं दिया तो फिर आप सेकंड टेस्ट क्या कर सकते हैं आपने उसे स्मेल करना है स्मेल टेस्ट के लिए आपको अपने सेंस ऑफ स्मेल पर बिलीफ रखना होगा और अगर आप मशरूम को स्मेल करते हैं और उसकी स्मेल आपको बादाम के जैसे लगती है या मशरूम टाइप लगती है तो वो एडेबल मशरूम होगा और अगर आपको उसकी स्मेल जो है वो फिनॉल टाइप लगती है यानी एसिड टाइप लगती है तो वो पॉइजनस मशरूम होगा तो अगर येलो स्टैन पॉजिटिव आता है येलो स्टैन टेस्ट पॉजिटिव आता है और स्मेल जो है वो फिनोलिक आती है तो वो एडिबल मशरूम नहीं है पॉइजनस मशरूम है उससे आपने दूर रहना है और ये वाला जो मेरा मशरूम है इसमें दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं यानी इसकी स्मेल जो है वो भी फिनोलिक टाइप है और और इसका जो स्टेनिंग टेस्ट है वो भी येलो आ चुका है तो ये एडिबल मशरूम नहीं है इसके अलावा एट एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे मशरूम्स जो एनिमल फॉसिल्स पर उगते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो पॉइजनस होते हैं और ऐसे मशरूम्स जो प्लांट फॉसल्स के ऊपर उगते हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम एडेबल होते हैं लेकिन फिर भी आपने टेस्ट कर लेना है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने कहा है तो ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही आपने किसी मशरूम को खाना है शुक्रिया